नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। फिरोजाबाद जिले के सुखाबाद में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत सोमवार को जिला सहित चिकित्सालय की धनपुरा प्रशासनिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारम्भ विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने किया। जिला सैनिक चिकित्सालय में विधायक ने अंत्योदय कार्ड धारक महिलाओं एवं पुरुषों को आयुष्मान योजना के कार्ड वितरित करते हुए 125 पात्र लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान CHC धनपुरा प्रभारी डॉक्टर अमित यादव ने उनको फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता एवं नगर के गणमान्य नागरिकों के अलावा डॉक्टर और कर्मचारी उपस्थित रहे। तो देखते रहिए C20 न्यूज के साथ मुकेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जन आयोग के अंतर्गत जितने भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के सम्मानित जनता है उनको आयुष्मान कार्ड यहाँ CHC के माध्यम से जो डॉक्टर साहब अमित हैं इनके माध्यम से दिए जा रहे हैं। और इसका मूल और मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों तक अगर ये कार्ड पहुंच जाएगा तो उन्हें 5 लाख रुपए तक का इलाज वो करा सकते हैं। जैसा कि आपको अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गरीबों का इलाज फ्री हो, गरीबों के इलाज में कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, इसी के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं और सुविधाएं की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जीरो पॉवर्टी लाइन के सम्मानित जनता जनार्दन है, घर घर तक ये आयुष्मान कार्ड अगर उनका बन जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हर घर में एक आयुष्मान कार्ड होगा और हर घर में एक अच्छा स्वास्थ्य के माध्यम से संदेश जाएगा और कोई भी बीमार व्यक्ति होगा उस घर में तो उसे कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह पैसा उनको इस कार्ड से ही मिल जाएगा।